नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 बाय 28 स्क्वायर फीट हाउस प्लान के बारे में। इस प्लॉट की लंबाई 28 फीट है, साथ ही साथ इसकी चौड़ाई भी 28 फीट है। जहां तक मैं प्लॉट के एरिया की बात करूं तो 784 स्क्वायर फीट का इसका कम्प्लीट एरिया है। प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लॉट जो है हमारा ओपन एरिया में है, जिसकी वजह से हमें वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से वेंटिलेशन हर रूम में यहाँ पे मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा हाउस प्लान। तो हाउस प्लान बताने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप भी अपने मकान के लिए कोई अच्छा सा फ्लोर प्लान या फ्रंट एलिवेशन डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोर्च की, तो यहाँ पे पोर्च की जो कंप्लीट चौड़ाई है वो 14 फीट है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फीट की है दोस्तों। और इसकी जो यहाँ पे लंबाई है 9 फीट की है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आपका 8 से 9 फीट का आपका गेट आएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे, आप यहाँ पे 9 फीट का भी प्रोवाइड कर सकते हैं या 6 फीट का भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे मेन गेट। यहाँ पे स्टेयरकेस रहेंगी दोस्तों, जो कि यू शेप में बनाई है हमने। तो यहाँ पे स्पेस को देखते हुए हमने यहाँ पे स्टेयरकेस डिजाइन की है। ये स्टेयरकेस अगर आप फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर पाते हैं तो भी काफी अच्छी लगेगी, काफी अच्छा इसमें डिजाइन बना सकते हैं अगर हम फ्रंट एलिवेशन डिजाइन इसका बना रहे हैं तो। यहाँ पे इसकी जो स्टेयरकेस की विड्थ है वो 3 फीट की रहेगी और इसका जो राइजर है वो 7 इंचेस का है और ट्रेड इसका 12 इंचेस का है दोस्तों। यहाँ पर स्टेयरकेस के नीचे आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जहां तक मैं पोर्च की बात करूँ तो इस पोर्च में आप बाइक वगैरह आराम से पार्क कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप हॉल में एंटर होते हैं पोर्च से, तो यहाँ पे हॉल का जो हमारा साइज है वो 14 फीट बाय 9 फीट 3 इंचेस का, यानी 14 फीट चौड़ा और 9 फीट 3 इंचेस लंबा। इसके बाद यहाँ पे हमने एक बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जो बेडरूम का हमारा साइज है वो 12 फीट बाय 11 फीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेडरूम में हमने 4x4 का विंडो प्रोवाइड किया है दोनों साइड से, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद बेडरूम से जैसे ही बाहर आते हैं आप, तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम मिलता है हमें। तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम का जो साइज है वो 4 फीट बाय 8 फीट का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप जो कॉमन वॉशरूम है उसमें आप कमोड वेस्टर्न स्टाइल में लगा रहे हैं तो आपको ठीक है 4 बाय 8 का आप वॉशरूम दे सकते हैं। अगर आप इंडियन स्टाइल में कोई कमोड प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे इसका जो साइज होना चाहिए कॉमन वॉशरूम का वो 4 बाय 10 फीट के अराउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर कर दी आपको। यहाँ पर वॉशरूम के सामने आप छोटा सा बेसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्लास और बेसिन, जो कि काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों बेडरूम की, एक और बेडरूम हमने जो प्रोवाइड किया है उसका जो साइज है 12 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस। यहाँ पे 12 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट 6 इंच की लंबाई, 4x4 फीट का हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड किया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे किचन की। तो किचन का जो हमारा यहाँ पे साइज है, यहाँ पे 10 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट का हमारा किचन है। और यहाँ पे हमने एक 3 फीट का गली प्रोवाइड किया है, गैलरी, जो कि आप बाहर जा सकते हैं, बैक साइड में जा सकते हैं। यहाँ पे एक डोर रहेगा। यहाँ पर अगर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप यहाँ पे वॉल ना देके एक डाइनिंग प्रोवाइड कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका किचन भी डाइनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा और ओपन किचन हो जाएगा ये। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, वैसे क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था हमने उस हिसाब से इसको डिजाइन किया था दोस्तों। जहां तक मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये वॉल न रखें, क्योंकि आपको ये स्पेस यूज में लाने में काफी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आज का हाउस प्लान आपको बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये हाउस प्लान मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। और इस तरह के हाउस प्लान हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आप भी अपने मकान का नक्शा ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं।